हेलो गाइस, कैसे आप सब हो? कब तक क्या सारे अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम आए हैं वो बहुत ही एक अमेजिंग जगह है, क्योंकि छोले कुलचे नाम सुनते हमारे दिमाग पे एक ही चीज़ आती है, पहले प्यारे लाल जी के अमृतसरी छोले कुलचे। तो आज हम आए और फाइनली इन्होंने गुड़गांव में भी अपना एक नया ब्रांच खोल लिया। दिल्ली में तो बहुत सारे ही है, जो दिल्ली के लोग हैं उनको जानते होंगे, लोग पागल हैं इनके छोले कुलचे खाने के लिए, इनके भीगे हुए कुलचे। और इन्होंने नया तवा कुलचा निकाला, तंदूरी कुलचा, अमेजिंग। तो आज मैं सब चीज़ ट्राई करूँगा और आपको प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि कैसा है, और गुड़गांव का आपको फुल एड्रेस दूंगा कि कहाँ पर है। तो अब मैं इसका प्रॉपर आपका एड्रेस बताता हूँ कि क्या है। जो वेस्टर्न होटल है गुड़गांव में, उसके एकदम अपोजिट आप देख ही सकते हैं, एकदम अपोजिट में है। A few minutes later. तो अभी हमने फाइनली ऑर्डर कर दिया है अमृतसरी तंदूरी, जो उनका अभी लेटेस्ट है, और भीगा हुआ कुलचा, जो माइंड ब्लोइंग है। तो अभी आपको इसका प्रॉपर दिखाएंगे, और ये इनका मेन्यू है, आपको अभी साइड में दिख ही रहा होगा प्रॉपरली, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप पॉज करके वीडियो आराम से देख लीजिए, और आपको आने इसमें एड्रेस भी है, एड्रेस भी है, और मैं नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं इनकी मेकिंग। यहाँ पे भैया ने ले लिए है तवे वाले कुलचे के लिए कुलचे, और ये सेक रहे हैं इसमें, और अब यहाँ पे भैया ले रहे हैं उसके प्लेटिंग के लिए। छोले डाल दिया है, कितने छोले, और आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब डाल दिए ऊपर से भैया ने प्याज, और ये है उनकी हरी चटनी। अब इसमें डालने जा रहा है अलग से कांदा, बोले तो अपना प्याज, तो यह प्याज खाने में मज़ा अलग आता है। तो यहाँ पे अब डाल रहे भैया इस गाजर का, जो ये पिकल आता है वो, आम का अचार हो गया, और यहाँ पे डाल दिया इन्होंने हरी मिर्च, और ये सारा इनका जो अचार है सब खुद ही बनाते हैं। तो अब चलते हैं भीगे हुए कुलचे की तरफ। तो भीगा हुआ कुलचा भैया ने ले लिया है हाथ में, और भाप निकल रहे हैं छोलों से अभी, तो वह कंटिन्यूसली गर्म होता रहता है। ये डाल दिया भैया ने, और ये एकदम अंदर तक यार, मतलब इतनी देर, और भैया ने बोला कि 2-3 मिनट तक अब इसको ढक देंगे, बंद करके रख देंगे, और तो क्योंकि अच्छे से और सोख लेगा कुछ छोलों को। तो भाई अब 2-3 मिनट हो गए, तो भैया अब यहाँ से निकाल रहे हैं जिस प्लेट में वो हमें देंगे, अब वो चीज़ वो ले रहे हैं, और अब निकलेगा हमारा भीगा हुआ कुलचा इसके अंदर से। तो भाई मतलब खुशबू क्या ही आ रही है, और आप अभी देखो, मतलब क्या देखने में ही इतना स्वाद आ रहा है, इतना मन कर रहा है खाने का यार, मज़ा ही आ जाएगा। मैं इंसिस्ट करता हूँ यार, आओ और खाओ, टेस्ट करो इसको। और भाई छोले इतने सारे, एक बंदे का पेट आराम से भर जाएगा इसमें, ये उसमें छोलों में बिल्कुल प्याज नहीं होता, तो ऊपर से आप डलवा सकते हो अगर आपको खाने का है मन। और ये इन्होंने अपनी हरी चटनी डाल दी, और यहीं पे हमारा भीगे हुए छोले की भी प्लेटिंग होती है कंप्लीट। ये अमृतसरी कुलचा, ओए होए भैया स्टफिंग देखो यार, स्टफिंग कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और तंदूर से क्या ही प्यारे प्यारे कुलचे निकल रहे हैं। तो फाइनली जो हमने ऑर्डर कर दिया था अमृतसरी तंदूरी, जो स्पेशल है इनका वो, और भीगा हुआ कुलचा, मतलब आया है क्या ही है, स्मेल ही इतनी अमेजिंग आ रही है। आप देखो बटर क्या लगाया, और आवाज़ क्या ही आवाज़ आ रही है, मतलब मज़ेदार। अभी इसको खाते हैं, फिर आपको प्रॉपर रिव्यू देते हैं इसका। तो हमने फाइनली खा लिया है, बहुत टेस्टी इनका था, हमें तो मुझे मज़ा आया, सौरभ को भी बहुत मज़ा आया। अभी बहुत भीड़ है, बहुत क्राउडेड है, लाइक जो जिसका है ये, तो मैं इनको देता हूँ प्रॉपर रिव्यू, जो है बहुत अमेजिंग था। इसकी टाइमिंग है सुबह 8:30 से लेके 5 बजे तक रहता है, एंड आप देख ही सकते हो कितना क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप रहता है, फ्री आपको मिलेगा नहीं कभी। तो ये टाइमिंग है, और आप आ सकते हो कभी भी जब आपका मन चाहे। अभी स्विगी एंड जोमेटो पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट 1 वीक हुआ है इनको सेटअप किए हुए। तो आप आओ यहाँ पे खाओ, और बताओ आप जो जो कमेंट बताए गए, कौन कौन आएगा वो कमेंट बॉक्स अपना दे। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और बेल बटन जो उसको दबाई दीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसको आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।